हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबकी? उम्मीद है सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा ज़रा शाम को शुरू हो रहा है, क्योंकि सुबह सारा दिन कुछ भी नहीं था करने को। सुबह उठी हूँ मैं और ब्रेकफास्ट किया है और शवीर को करवाया है। कुछ इतना ख़ास भी नहीं था, बोरिंग था सारा दिन। मामा भी काम पे, पापा भी काम पे, बस ऐसी मैं और शबीर पहले सोफे पे बैठे रहे हैं। इसको कभी कार्टून लगा के दे, कभी कुछ। फिर शबीर दोपहर को सो गया था, फिर मैं जो सोफे पे बैठी सोफे पे बैठी कभी मोबाइल देखूँ, फिर मैंने मामा को फ़ोन कर लिया। फिर शबीर उठा तो पापा आ गए थे, ये पापा के साथ बाहर चला गया। मैं शावर लेने चली गई, मैंने ऑयल लगाया हुआ था सर पे, मैं शावर लेने चली गई। और अब शावर लेके आई हूँ तो बर्तन धोए हुए थे, मैंने कहा वो साफ़ करके तो लगा दूँ ऊपर। और बस आजकल थोड़ी ज़रा बोरिंग है रूटीन, और क्योंकि सईद नहीं है, सईद हो तो मैं थोड़ा ज़रा बिज़ी होती हूँ, और फिर हम कहीं बाहर भी चले जाते हैं, और आजकल वैसे कुछ नहीं है। और असल में मामा की गाड़ी गई हुई है ठीक होने के लिए ना, तो वो होप्स हो कि कल मिल जाएगी, तो फिर शायद हम कहीं बाहर जाएँ। और आज सईद गए हैं और साथ ही मामा की इस पूरे हफ्ते जो है ना वो जो है लेट शिफ्ट है। सुबह 12 बजे वो जाती हैं और रात को फिर आएंगी वो 8:30 बजे, तो इस वजह से फिर हम कहीं जा भी नहीं सकते हैं। उनकी अब ये लेट शिफ्ट ख़त्म होगी ना, तो फिर चलो हम लोग कहीं जाएंगे, तब तक गाड़ी भी आ जाएगी। और जो जो होता जाएगा साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी करती जाऊँगी करती जाऊँगी। शबीर साहब के कार्टून लगे हुए हैं, शबीर वॉकर चला रहा है, साथ साथ अपने कार्टून देख रहा है, और मैं ये बर्तन रख रही हूँ लगा रही हूँ साथ साथ। और कोई इतना कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही है। सही के साथ तो सही होते ना, तो फिर हम फिरते हैं रोंतलों की तरह फिरते हैं जगह जगह। अब नहीं, शबीर साहब ने सारे मैग्नेट इधर से उधर गिराए हुए हैं, गंदे से बच्चे। यहाँ से सारे मैग्नेट उतार दिया फ्रिज से और सारे गिराए हुए हैं, ये गया फ्रिज से उतारने। और इसको अच्छा, ये सिर्फ ये दो तीन ही पसंद है, ये वाला एक, ये वाला। ये बर्तन हो गए हैं, लगा दिए मैंने, ये अभी एक धोई है बस प्लेट, और तो कुछ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबकी? उम्मीद है सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो बाहर से शुरू हो रहा है, क्योंकि मामा की थी अपॉइंटमेंट डॉक्टर पे, तो वो उनके साथ मैं और पापा शबीर हम आए हैं, उनको ड्रॉप किया है पहले डॉक्टर पे, वो अपने डॉक्टर पे हैं। और इधर पास ही जो है ये दरिया जाता है, यहाँ का फेमस एल्बे रिवर, तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, तब तक मामा अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो अपने डॉक्टर पे चेक चुक करवा लें। और सूरज निकला हुआ है आज टका के।
और अब हम लोग बैठे हुए वेट कर रहे हैं और इतना प्यारा नज़ारा है, बिल्कुल दरिया के सामने बैठे हुए मैं, और सुकून है इतना। ये दरिया गुजारा, वो पापा शबीर को लेके खड़े हैं। जो हम एक दफ़ा शिप में बैठे थे ना लास्ट टाइम, तो वो शिप हमारी यहाँ तक आई थी, इस ब्रिज तक, इस ब्रिज से फिर वापस गई थी। और इससे पहले जो आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं, वो पीछे वहाँ पे मार्केट लगी हुई थी, ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है ना, हाँ ट्यूसडे मार्केट लगी हुई थी, अभी तो लगनी शुरू हुई है, जैसे संडे बाज़ार टाइप होता है ना उस तरह की। ये आ गई गूगल मैप की कार। गूगल मैप हमारी वीडियो बना के गया, बाय बाय गूगल मैप। आ गए हम लोग घर, रास्ते पर रुके थे आइसक्रीम खाने के लिए, आप लोगों ने देखा ही था। और अब हम लोग घर आ गए हैं, शिवीर साहब सो रहे थे, हंसी जा रहा मुझे देख के, मैं उठा के ऊपर लेके आई हूँ तो उठ गया। अब इसको कुछ खिला देती हूँ, उसने भी सुबह से कुछ खाया नहीं है, और फिर वी विल सी। घर हम लोग तब आए थे, तो फिर आके सो गए थे, शिवीर को भी बहुत नींद आई हुई थी, सुबह 6 बजे का शिविर उठा हुआ था आज, मैं भी उसके साथ ही फिर उठी थी जाहिर है। तो अब उठे हैं, तो मैंने कपड़े धोए हैं, पहले कपड़े डाल लूँ, हैंग कर लूँ, और फिर देखते हैं। कपड़े डाल दिए मैंने, पहले सारे जो है ना वो वाइट और हल्के कलर वाले धोए थे मैंने, अब जो है वो डार्क कलर वाले, ब्लैक ब्लैक सारे डाल के आई, तब तक ये सूख जाएंगे थोड़े। पापा को जो होता है ना वो 3 से 5 दोपहर में ना ब्रेक टाइम होता है, तो वो घर आ जाते हैं, तो घर आते हैं पहले कुछ खाते पीते हैं, फिर शबीर को लेके बाहर चले जाते हैं, तो फिर मुझे थोड़ी देर सुकून मिलता है। तो अब इस टाइम में 4:15 हुए हैं, तो वो उसको बाहर ले गए हैं, तो जब तक वो बाहर गए हुए हैं तब तक मैं जो है ना कुछ खा लूँ। तरबूज कटा हुआ है कल का, तो मैंने कहा मैं पहले ये तरबूज थोड़ा सा खा लूँ। टेस्टी है, पता है आज यहाँ पर भी जर्मनी में भी अब शुक्र है। शुक्र कह रही हूँ कि गर्मी शुरू हो गई है, देखो ज़रा पाकिस्तान में होते हैं तो हम लोग दुआएं करते हैं कि हाय गर्मी क्यों आ गई है, अब यहाँ पर थोड़ा शुक्र अदा किया है कि थोड़ी गर्मी आई है। आज 31 टेम्परेचर है, और पता है बाहर की और पाकिस्तानी गर्मी में ये फ़र्क है कि जब पाकिस्तान में 31 टेम्परेचर होता है तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज थोड़ा सा मौसम ज़रा बेहतर हुआ, अच्छा हुआ, लेकिन जब यहाँ पर 31 टेम्परेचर पर गर्मी पड़ती है ना, तो वो ज़्यादा उसका जो एक सेक कहते हैं ना, एक सेक उसकी वो चुभन ज़्यादा होती है यहाँ पर, वहाँ पर इतनी फील नहीं होती है, यहाँ पर जो है ना वो सूरज ज़्यादा चुभता है, आप नहीं खड़े हो सकते हो यहाँ पे थोड़ी देर भी, सूरज में ना बैठ सकते हो, ज़्यादा फील होती है। तो लेकिन शुक्र है कि मौसम थोड़ा बदला है, वो सर्दियों वाला जो सीज़न है वो थोड़ा थोड़ा ख़त्म हुआ है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, आज 31 है तो कल बेशक 14 पे पहुँच जाए, बारिश होने लग जाए, लेकिन फ़िलहाल शुक्र है बेहतर है। शबीर गया हुआ, मैं बैठ के तरबूज खाऊंगी, आराम से थोड़ा इन्जॉय करूंगी। क्योंकि वो जैसे ही आएगा
वैसे नहीं चिपकेगा आते साथ ही तो इससे बेहतर है उसके आने से पहले पहले थोड़ा सुकून कर लिया जाए। ठंडा ठंडा। दूसरे कपड़े भी जो है ना धुल गए हैं, इसमें शबीर के भी थे मेरे थे। अब इसको मैं यहाँ पे हैंग कर लूँ। पहले शबीर साहब आ गए थे, बैठे कार्टून देख रहे हैं, और पहले इसको हैंग कर लूँ। लो जी कपड़े डल गए हैं सारे, और ये शह आ गई है, ये कार्टून देख रहा था। मैंने कहा चल देख ले कार्टून है, साथ ही इसने वो रोने डाले हैं। हाय अल्लाह, शबीर साहब बोर हो रहे थे तो हम लोग घर से भी बाहर आ गए हैं। ये शबीर साहब के बिस्किट पड़े हैं, और हम लोग घर के पास ही है ना, ऐसी जगह बनी हुई है, वहाँ पे आप बैठ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और इधर पास ही घर है 2 मिनट की वॉक पे, इसलिए अब हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये गंदा बच्चा मेरे ऊपर बैठा है, शबीर। मैं और शबीर आ गए हैं वापस ऊपर। हम लोग घंटा कोई सवा घंटा बैठे रहे, इतना अच्छा मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी, तो बैठे रहे वहाँ पे। सो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। इंशाल्लाह कल मिलेंगे, जितनी कोशिश कर सकती हूँ, जितना हो सकता है मैं रिकॉर्ड करती रहती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। क्योंकि घर में पता है, अपने घर में एक और चीज़ होती है, फिर यहाँ पर कई चीज़ें जो हैं, फिर मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता, हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। तो लेकिन जितना भी हो सकेगा, मैं जितना बना सकूँगी तो ज़रूर मैं शेयर करती रहूँगी। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल जर्मिस्तानी जोड़ा, शेयर विद एवरी वन, क्लिक द बेल आइकन बटन, और लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफिज़। और सच, हाँ ये जो अब आपने ब्लॉग देखा है, ये आपने 2 दिन का देखा है, कल ये तो मैं बताना भूल ही गई थी। कल मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, और उसके बाद फिर मैंने आज कंटिन्यू किया था, क्योंकि कल कुछ था ही नहीं करने को। लिटरली मैं फुल डे सोफे पे बस बैठी रही हूँ, और कुछ भी नहीं था करने को, कुछ खाना वगैरह भी बनाना नहीं था, ऑलरेडी पड़ा हुआ था फ्रिज में, और बहुत बोरिंग दिन था आज का, तो फिर भी शुक्र है गुजर गया। चलो ठीक है, फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।